अगर आप भी विराट कोहली रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यूएई पहुंचते ही बाबर आजम से मिलते ही दहाड़ चुके हैं विराट कोहली और अपने बयान में पाकिस्तान को हराने पर तो कुछ कहा ही, साथ ही अपने ऊपर भी और अपने देश के ऊपर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या बोले विराट कोहली अपने बयान में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कोहली और बाबर आजम दोनों में से कौन एक बेहतर खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होंगी 28 अगस्त को। आपको बता दें कि यूएई में एशिया कप 2022 शुरू होने जा रहा है 27 तारीख को, जहां पर पहला मुकाबला खेला जाएगा श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम के बीच में। दोस्तों मुकाबला तो ये भी अच्छा होगा, लेकिन मदर ऑफ ऑल मैचेस या फिर यूं कह लीजिए फादर ऑफ ऑल मैचेस भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच का मुकाबला इससे ठीक अगले दिन खेला जाएगा 28 तारीख को। भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच मुकाबले नहीं जंग होते हैं, ये तो क्रिकेट के मैदान अक्सर बयान करते हैं और गवाह भी बन जाते हैं, लेकिन इस बार की जंग दोस्तों कुछ और है। पिछली बार हम 10 विकेट के अंतर से हारे थे, तो बदला भी हमें 2 गुना अच्छा नहीं बल्कि 10 गुना अच्छा चाहिए होगा, जिसके लिए अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ऊपर से पाकिस्तान का क्रिकेट भी अच्छा हो गया है और भारत का तो उम्दा हुआ ही है। टक्कर कांटे की होगी इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन इस कांटे के टक्कर से पहले विराट कोहली ने ऐलान कर दिया है दहाड़ते हुए कि वो क्या करने के काबिल हैं, क्या करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। खैर दोस्तों आपको बता दें कि यूएई फिलहाल भारत के सभी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं इस खास मुकाबले के लिए और टूर्नामेंट को जीतने के लिए 20-20 ओवर के सभी मैचेस में भारतीय क्रिकेट टीम अपनी धाक जमाना चाहेगी और इसीलिए दोस्तों तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। और जब ये तैयारियां चल रही थी तो सामने वो दो खिलाड़ी और वो दो कप्तान आए जो इस सदी के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज माने जाते हैं। आपने सही पहचाना, हम बात बाबर आजम और विराट कोहली की ही तो कर रहे हैं। दोस्तों विराट कोहली और बाबर आजम जब आमने सामने आए तो विराट कोहली ने महानता दिखाते हुए हाथ बढ़ाया, उन्हें थपथपी दी, लेकिन अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया फिर कि सब दोबारा से किंग कोहली की वाहवाही कर रहे हैं। सो कोहली ने अपने बयान में कहा, जो कुछ भी इंग्लैंड में हुआ मैं उसे यही कहूंगा कि वो बुरा वक्त था। मैं मानता हूं कि वहां पर मेरी बल्लेबाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और इसी के चलते मुझे अपने पैटर्न को पहली बार चेंज करना पड़ा, उन गलतियों पर काम करना पड़ा जो मुझे बहुत पीछे रख रही थी। मैंने कड़ी मेहनत करी, प्रैक्टिस करी और वो चीज उजागर कर ली है जो कि मेरी नई बल्लेबाजी में कारगर साबित हो सकती है। मैं अच्छी बल्लेबाजी कर पाऊंगा इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, केवल देश के लिए आज तक हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है और कुछ अच्छा ही किया होगा, इसीलिए मैं इस मुकाम पर हूँ। उम्मीद है मेरे फैंस मुझे इसी तरीके से समर्थन करते रहेंगे। और रही बात पाकिस्तान की टीम को हराने की, तो हम मिलकर एकजुट होकर सभी फैंस के समर्थन से पाकिस्तान की टीम से न सिर्फ बदला लेंगे बल्कि उन्हें पछाड़कर एशिया कप के ट्रॉफी को भी अपने घर ले जाएंगे। दोस्तों विराट कोहली का एजेंडा साफ है, पाकिस्तान का सुपड़ा तो साफ करना ही है, साथ ही अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर बल्लेबाजी करनी है। ये पुराना विराट कोहली दहाड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उन्हें बाबर आजम के लिए जो किया वो भी दिल जीतने वाला है। परंतु आप सभी को क्या लगता है, कोहली और बाबर में कौन बेहतर है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।